नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। अजमेर रोड पर मौजूद आरजीए नर्सरी में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने वाले प्रदेश के पहले वन पर्यटन और पर्यावरण शिक्षक केंद्र का वन विभाग ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें, 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्र के पहले चरण में स्वीकृति 37 लाख रुपए का आपको बता दें 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्र में पहले चरण में स्वीकृति 67 लाख रुपए से मुख्य द्वार, गार्ड चौकी, टिकट काउंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, एग्जीबिशन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र में भिलवाड़ा जिले के साथ प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्र, वन्य जीव, वनस्पति, अरावली, वर्तमाला मॉडल के रूप में देखेंगे। आपको बता दें, देश विदेश के पर्यटकों, वन्य जीवन और पर्यावरण प्रेमियों को लुभाने के लिए देश विदेश के सभी प्रकार के नक्शे टच स्क्रीन पर दिखाई देंगे। नर्सरी में तितलियों के खास पार्क के साथ ही वुड वॉकिंग ट्रैक भी होगा। आईएफएस गौरव गर्ग के अनुसार भिलवाड़ा रेंज की आरजिया नर्सरी में बन रहे प्रदेश के पहले वन पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा केंद्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माणाधीन केंद्र आमजन के लिए लाभदायक होगा, जिसमें पहला है हर्बल गार्डन। नर्सरी के करीब आधा हेक्टेयर में हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा। इस गार्डन में प्रदेश में पाई जाने वाली औषधीय पौधों की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। पौधों पर प्रदर्शन बोर्ड लगाए जाएंगे और इस बोर्ड पर औषधीय पौधों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। अगला है सेल्फी पॉइंट। तो इसके तहत मांसाहारी वन्य जीवन जैसे बाघ, बघेरा, भेड़िया, जरख, सियार, भालू, शाकाहारी वन्य जीव जैसे चिंकारा, चीतल, सांभर और काला हिरण, रेंगने वाले जीव में मगरमच्छ और घड़ियाल, इन मॉडल्स पर वन्य जीवन की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगला है कैक्टस गार्डन। तो राजस्थान में पाई जाने वाली कैक्टस प्रजातियों का रोपण और प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके अलावा अन्य आकर्षक और सुविधाएं क्षेत्रों में रिसेप्शन और टिकट काउंटर, सोविनियर शॉप, भवन, मुख्य भवन और कॉन्फ्रेंस हॉल, प्ले जोन, वुड ब्रिज, कैफेटेरिया होंगे। अगला है बटरफ्लाई गार्डन। तो इस क्षेत्र में फूलों और फलों के ऐसे पौधों के रोपण के द्वार विकसित किए जाएंगे जो तितलियों के लिए अनुकूल है। तितलियों के मॉडल और भिलवाड़ा में पाई जाने वाली तितलियों के करीब 54 प्रजातियों के फोटो के साथ जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।